नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ, विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मंगला। उस दिन जब बीए का रिजल्ट निकला और मंगला पास हो गई अच्छे डिवीजन और अच्छे नंबरों के साथ, तो मुझे कितनी प्रसन्नता हुई उस दिन। मंगला एक मजदूरनी की बेटी, स्वयं से भी अपनी माँ के साथ मजदूरनी की तरह काम करने में कभी संकोच न करती थी, फर्स्ट डिवीजन लेकर पास हुई। मैंने उसी खुशी में एक दिन मंगला से कहा, बेटी अब तुम बीए पास हो गई, अब मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहती हूँ। कोई योग्य साथी तुम्हारे लिए खोज कर सकी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊँगी। संतान के प्रति माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वह पूरी हो जावे। उस दिन मंगला ने इस बात को मजाक समझा, किंतु इस चर्चा को गंभीर होते देखकर वह मुझसे बोली, अम्मा तुम मेरे विवाह की चिंता मत करो, मैं विवाह नहीं करना चाहती। यह तो जरूरी नहीं कि सभी लड़कियां शादी करें, मैं तो तुम्हारे ही साथ रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अभी तक तुमने कष्ट उठाया है, तुम्हें आराम से रखूँगी। जब मैं कुछ करने धरने के लायक हुई तब मैं विवाह करके कहीं चली जाना नहीं चाहती। एक माँ अपने बच्चे को इससे अधिक क्या कुछ और चाहती है। सच, मेरा मातृत्व सफल हो गया, मैं एक योग्य संतान की माँ हूँ, इससे मुझे बड़ा संतोष मिला। इस बेटी से अलग होकर मुझसे भी न रहा जाएगा, यह मैं जानती थी। पर इसी बीच सुदर्शन से भी कई बार मिल चुकी थी। सच तो यह है कि मैं सुदर्शन को भी प्यार करने लगी थी। सुदर्शन मेरी मंगला के लिए जितना अच्छा साथी बन सकेगा उतना अच्छा लड़का शायद ही मैं खोज सकूँ, इसलिए चाहती थी मंगला यह विवाह स्वीकार कर ले। शादी तो तुम्हें करनी चाहिए, मैं सदा जीती न रहूँगी और तुम्हें तब तक एक साथी का अभाव खटकेगा। और सच तो यह है बेटी कि मैं तुम्हें जहाँ ब्याहने जा रही हूँ वहाँ तुम पर कोई बंधन न रहेगा, तुम जब चाहोगी तभी मेरे पास आ सकोगी, यहाँ रहना या ससुराल जाना तुम्हारी इच्छा पर रहेगा। बेटी ने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया था, यह सब अम्मा विवाह से पहले की बातें हैं, विवाह के बाद पुरुष पत्नी को अपनी संपत्ति समझने लगता है। पति चाहे जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर स्त्री को समान अधिकार और स्वतंत्रता देने के विषय में चाहे जितनी लंबी लंबी स्पीचें झाड़े, पर घर के अंदर पैर रखते ही पुरुष पुरुष हो जाता है। स्त्री यदि उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा न बना ले, उसके इशारे पर आँख कान बंद करके न चले तो खैर नहीं। पास पड़ोस के घरों में इन शिक्षित परिवारों में जो कुछ होता है वह जानती हो। यह सच जानबूझकर भी तुम क्यों चाहती हो माँ कि मैं विवाह कर लूँ? फिर तुम मेरे स्वभाव को भी जानती हो, मैं किसी के इशारे पर आँख कान बंद करके नहीं चल सकती, मैं किसी की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना सकती। और सच बात यह है कि तुम्हें छोड़कर मुझसे कहीं जाया न जाएगा। तुम जिसके साथ मुझे ब्याहोगी वह मुझे अपने साथ जरूर ले जाना चाहेगा, अभी चाहे कुछ भी कहे, यह मैं समझती हूँ बेटी। पर सुदर्शन ऐसा नहीं करेगा, वह बहुत ही भला और नेक लड़का है, उसने मुझसे वादा किया है कि वह तुम्हारी इच्छा पर कभी अपनी इच्छाओं को न ला देगा। मंगला कुछ गंभीर होकर बोली, जो तुम चाहो माँ वह करो, मैंने सदा तुम्हारी बात मानी है, उसी तरह तुम्हारी इस बात को भी मानूंगी, परंतु मैं खुद तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मंगला चली गई मेरे लिए एक प्याला चाय तैयार करने। मैं बड़ी देर तक मंगला की बातों पर विचार करती रही और मेरी आंखों के सामने अतीत के न जाने कितने दुख चित्र खींच गए। सोचा, नहीं, मंगला की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह न करूंगी। कल मैं सुदर्शन से साफ साफ कह दूंगी, वह धनी है, शिक्षित है, सुंदर है, विनयी है, उसके लिए लड़कियों की कमी न रहेगी, बहुत सी लड़कियां मिलेंगी, मेरी मंगला मेरी रहेगी। दूसरे दिन वादे के अनुसार सुदर्शन आया, मैंने उसे प्यार से बैठाया। उसे देखते ही मेरा विवाह न करने का निश्चय कुछ हिल सा गया, परंतु मैं संभली। मैंने कहा, सुदर्शन जैसा तुम जानते हो विवाह मैं खुद तो करना चाहती हूँ, पर मंगला विवाह के लिए तैयार नहीं है, मुझे छोड़कर जाने की कल्पना से भी वह सिहर उठती है और विवाह के बाद ससुराल उसे जाना ही पड़ेगा, यही कारण है कि वह विवाह करना नहीं चाहती। सुदर्शन का चेहरा उतर गया, वह बोला, ऐसी बात तो नहीं है कि विवाह के बाद उन्हें आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा? जाना न जाना तो उनकी इच्छा पर रहेगा, और वैसे तो विवाह के बाद भी वह चाहे तो आपके पास ही रह सकती हैं, मुझे कोई शिकायत न होगी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ को भी कुछ न लगेगा, वह भी रहने देंगी? सुदर्शन बोला,
अम्मा मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती। मैंने कहा, सुदर्शन यह सब बात मैं मंगला से कह चुकी हूँ। वह कहती है ब्याह के पहले लोग दूसरे स्वर से बोलते हैं और विवाह के बाद उनका स्वर बदल जाता है। सुदर्शन कुछ हताश सा होकर बोला, वैसे आप लोग मुझ पर विश्वास ही न करें तो कोई चारा नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल करूँगा। आप यदि मेरी परीक्षा लेना चाहें तो मैं 20 साल तक केवल इस आशा पर रह सकता हूँ कि मंगला मुझसे विवाह करेगी, परंतु यदि यह विवाह न हुआ तो मैं बहुत दुखी जरूर हो जाऊँगा। दुखी होने पर भी मुझसे कोई अपकार न होगा, मैं रास्ते से अलग हो जाऊँगा। और मेरा माँ का हृदय जो ठहरा मैं द्रवित हो उठे। मैंने कहा, अब तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, मैं प्रयत्न करूँगी, तुम दुखी न होना, और तुम्हें 20 साल तक ठहरने भी न दूंगी। सुदर्शन चला गया। दूसरी सुबह मंगला से चाय पीते पीते मैंने कहा, मंगला बेटी मैं चाहती हूँ कि तुम यह विवाह स्वीकार कर लो। मेरा यह थका तन और थका मन न जाने किस घड़ी बुझ जाए। तुम किसी योग्य साथी के साथ रहोगी तो मैं शांति से मर सकूँगी, नहीं तो मरने के बाद भी शांति न पा सकूँगी। मेरी मंगला ने कहा, जिससे तुम्हें शांति मिले माँ उसी में मेरा सुख है, तुम जो चाहो करो। फिर इस प्रकार विवाह तय हुआ और हो गया। विवाह के समय मंगला ससुराल से 2-4 दिन में ही लौट आई थी और वह 2-3 दिन काम की अधिकता और मेहमानों की भीड़ भाड़ में कैसे निकल गए कुछ जान नहीं पड़ा, पर आज तो यह सुना सुना घर काट खाने को मुँहबाए खड़ा है। हर पेड़ पत्ती और फल जिधर आँख उठाती हूँ हर जगह मंगला ही मंगला, मंगला के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। सोचती हूँ यदि मैं भी चिड़िया होती तो अपनी मंगला की खोज में किसी तरह उड़ जाती। धन्यवाद।